খুব সুখবর সারপ্রাইজ সত্যের জয় হবে আজকে অনেক বড় জায়গা। वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंदा व्लॉग्स। तो दोस्तों, कृष्ण काली माता जी का नया मंदिर बनने वाला है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। तो कहाँ मंदिर बनने जा रहा है, कहाँ ठिकाना है, पूरा डिटेल्स बताएंगे, पूरा ब्लॉग देखते रहिए दोस्तों। देखिए, अभी हम खड़े हैं बर्दवान रेलवे स्टेशन से। तो बर्दवान रेलवे स्टेशन से कहीं बस से आ रहे हैं आप लोग या ट्रेन से आ रहे हैं, कैसे आप नया कृष्णकाली माता जी का मंदिर पहुंच पाएंगे, उसी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, बर्दवान रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन से उतर रहे हैं या बस से आ रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा कहाँ, तो पूरा ब्लॉग देखिए, डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। कृष्णकाली माता जी का मंदिर पहले कहाँ था, आप दिखा रहे हैं आपको। कृष्णकाली माता जी का मंदिर पहले था इस्लामाबाद में, किरण संघ बोल के जो क्लब था वहाँ पर ही था। देखिए, ये है किरण संघ बोल के जो क्लब। इस गली में बहुत भीड़ होता था, कुछ झमेला के कारण में चल गया था माता जी का मंदिर नया ठिकाना नंदन कानन बोल के जगह में। देखिए, यहाँ भी बहुत भीड़ हो रहा था माता जी का। देखिए, कितना सारा भक्त यहाँ मिलने आता था, रोज रोज माता जी का चरण स्पर्श करने आता था, माता जी का कृपा लेने के लिए आता था। बहुत श्रद्धालु आते थे, देखिए कहां कहां से आते थे, और माता जी सब पे कृपा बरसाते थे। बहुत श्रद्धालु अपना आए और बहुत श्रद्धालु का भी बहुत उपकार हुआ, इसलिए दूर दूर से माता जी के पास आते थे। मगर यहाँ भी कुछ झमेला के कारण में माता जी का मंदिर दूसरा जगह शिफ्ट होने वाला है। नया ठिकाना कहाँ पर है वो आप लोगों को बताएंगे। देखिए, श्रद्धालु लोग के माता जी कृपा करते हुए, माता जी का कृपा से बहुत का उपकार हुआ। मगर देखिए, मेडिसिन का हेल्प तो लेना पड़ेगा, कभी कभी ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा। तो कृष्णकाली माता जी देखिए यही शिफ्ट होने वाला है दूसरा जगह। नया ठिकाना कहाँ पर है वो आपको ब्लॉग के माध्यम से बता देंगे। तो देखिए दोस्तों, माँ मंगला कृष्णकाली माता जी। दोस्तों पहले तो इस्लामाबाद में था, उसके बाद चल गया था हैचारी रोड नंदन कानन बोल के जगह में। नंदन कानन जहाँ कॉम्प्लेक्स था, कुछ ही दिन पहले वहाँ झमेला हो गया, आप लोग को पता है। तो नया ठिकाना में माता जी का देखिए जोरदार से काम चल रहा है, पंप लगने वाला है, पंप लग रहा है यहाँ पीने का पानी के लिए। और बहुत बड़ा जगह है दोस्तों, बहुत बड़ा, देखिए कितना बड़ा जगह है, और जोरों से काम चल रहा है। और देखिए, यहाँ माता जी का घर था यहीं पर पहले, यहाँ तो पहले माता जी का घर था, तो यहीं पर मंदिर हुआ करते थे। देखिए, इसी रोड में जाना पड़ता था, एक एंटरप्राइज टाइप का हार्डवेयर का दुकान है, इसी बाएं रास्ता से जाना पड़ता था। और देखिए दूसरा ठिकाना हुआ था, देखिए पुलिस लाइन ये मोड़ है, आपको बाएं तरफ जाके ठिकाना मिल जाता था। देखिए हैचारी रोड, ये हैचारी रोड है, देखिए यहाँ भी बहुत श्रद्धालु आते थे। ये सेकंड ठिकाना था माता जी का, देखिए बिचाली का मंदिर बना हुआ था माता जी का, और बहुत श्रद्धालु लोग आते थे। देखिए कितना सारा दुकान बैठे थे, मगर अभी नया ठिकाना देखिए, तो कितना सारा दुकान है। अब नया ठिकाना कहाँ है ये हम बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ये है बैकुंठपुर, बिलेरा बोल के एक गाँव है, एकदम मेन रोड के बगल में, एकदम आप लोग बस से, ऑटो से, टोटो से, किसी से भी आ सकते हैं, एकदम मेन रोड उतर के ही आपको मंदिर मिल जाएगा। देखिए एकदम प्रकृति के बीच में बसा हुआ होगा माता जी का मंदिर, बहुत शांति मिलेगा और बहुत अच्छा जगह है दोस्तों। देखिए ऐसा ही रौनक होगा फिर, जो नंदन कानन में हो रहा था फिर रौनक हो जाएगा, इतना ही लाइट वगैरह, माता जी का एकदम मंदिर जगमगाएगा। देखिए चारों तरफ हरियाली होगा और रौनक भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेन रोड के एकदम बगल में होगा माता जी का मंदिर,
হবে বেলেরা প্রাইমারি স্কুলটা সামনেই একদম বেলেরা প্রাইমারি স্কুল তারপরে ঠিকানাটা লিখে নিন नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को बता देंगे डिटेल्स में कैसे कृष्ण काली माता जी के पास जा पाएंगे आप लोग। तो फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को आज यहां पर ही एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।